हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो काफी टाइम से डेवलपमेंट फेज में रही है। स्कॉर्पियो एसयूवी के टेस्ट पीरियड की स्पाई इमेजेस इंटरनेट में ऑलमोस्ट 3 साल से फ्रिक्वेंटली देखी जा रही है। इतना डिले ड्यू टू अनवॉरंटेड क्राइसिस होने के बावजूद फाइनली महिंद्रा ने न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के प्रमोशनल कैंपेन्स शुरू कर दिए हैं। होम ग्रोन कार मेकर ने लेटेस्ट स्कॉर्पियो का टीजर कुछ टीवी कमर्शियल्स पे ऑनलाइन रिलीज किया था जून में, और अभी रिसेंटली न्यू स्कॉर्पियो के फाइनल प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन यूनिट की स्पाई इमेजेस रिवील हुई है, विच शोड द व्हीकल रोलिंग ऑफ द असेंबली लाइन। इससे फिगर आउट किया जा सकता है कि थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो फाइनली सीरीज प्रोडक्शन में इंटर हो चुकी है। फर्दर 20th मई को महिंद्रा ने एक और टीजर शेयर किया था, जिसमें ना कि उसकी लॉन्च डेट बल्कि ऑफिशियल नेम भी रिवील कर दिया गया है। न्यू स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो N के नाम से लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा न्यू 2022 स्कॉर्पियो को 27 जून को लॉन्च करेंगे, जो कि स्कॉर्पियो की 20th एनिवर्सरी है। 27 जून को ही इसके प्राइस को रिवील किया जाएगा एंड इसकी ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट की जाएगी। अनऑफिशियल बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है ऑथराइज्ड डीलरशिप्स में। जैसा कि पहले स्पाई हुई कई सारी इमेजेस में देखा गया है कि अपकमिंग स्कॉर्पियो N में सिग्निफिकेंट एक्सटीरियर स्टाइलिश अपडेट्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू इट्स प्रेडिसेसर। ये देखने में करंट मॉडल से बिगर होगी, जैसा कि इनके प्रमोशनल कैंपेन की टैगलाइन द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज में बोला गया है। महिंद्रा ने टीवी कमर्शियल के दौरान ये कंफर्म कर दिया है कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो N इज इंटेंडेड टू टेक ऑन द डी सेगमेंट एसयूवीज। ऑल न्यू स्कॉर्पियो N एक्सपेक्टेड है कि फिर से बेंचमार्क रिक्रिएट करेगी इंडिया के एसयूवी सेगमेंट में। विथ एन अनमिसेबल डिजाइन, थ्रिलिंग परफॉर्मेंस एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा कंटिन्यू टू कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ बिल्डिंग ऑथेंटिक टफ येट सोफिस्टिकेटेड एसयूवीज। ऑल न्यू स्कॉर्पियो N के साथ महिंद्रा अपना प्रॉमिस एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल डिलीवर करने वाले हैं, एंड नई स्कॉर्पियो N एक डिलाइटफुल ओनरशिप एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी अपने कस्टमर्स के लिए। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो न्यू स्कॉर्पियो N कंप्लीटली रिवाइज्ड फ्रंट फेशिया ऑफर करेगी, और इसमें मैसिव मल्टी स्लैटेड फ्रंट ग्रिल मिलेगा क्रोम इंसर्ट्स के साथ। इसके रीडिजाइन ग्रिल में न्यू महिंद्रा का लोगो एंड न्यू डुअल पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएस दोनों साइड में अवेलेबल होगी। इसके रीप्रोफाइल फ्रंट बंपर में न्यू सी शेप्ड फॉग लैंप इंक्लोजर्स एंड वाइडर एयर डैम विद हनीकॉम मैश पैटर्न्स देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट इट्स साइड प्रोफाइल, तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के टॉल स्टैंड्स एंड बॉक्सी लुक को रिटेन किया है फ्लैट रूफलाइन एंड अपराइट पिलर्स को इनकॉर्पोरेट करके। फर्दर इसमें लार्ज बल्जिंग व्हील आर्चेस रैप्ड अराउंड बाय ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग्स भी अवेलेबल होंगे। हैविंग सेड दैट, कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मॉडल द न्यू स्कॉर्पियो N अपीयर्स टू बी मोर राउंडेड एट इट्स एजेस। ये मैसिव व्हील आर्चेस न्यू डुअल टोन 18 इंचेस मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स के साथ मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट इट्स रियर प्रोफाइल, इट गेट्स अ फ्लैट साइड हिंज टेल गेट एंड न्यू वर्टिकली माउंटेड एलईडी टेल लाइट्स इंस्पायर्ड बाय वॉल्वो दैट रन थ्रू द डी पिलर। इसका रियर बम्पर पहले के मॉडल से स्लीकर होगा एंड इसमें मेटेलिक स्किड प्लेट एंड डिस्टिंक्टिव क्रोम ट्रिम देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियर वाइपर एंड रियर वॉशर मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट पावर ट्रेन ऑप्शंस नाउ। तो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो N में दो इंजन ऑप्शंस 2.2 लीटर एम हॉक डीजल यूनिट एंड 2 लीटर एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल यूनिट मिलेगा। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये खबर सामने आई है कि ऑयल बर्नर विल बी अवेलेबल इन 2 स्टेट्स ऑफ ट्यून एंड इसकी लोअर स्पेसिफिकेशन ट्यून 130 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 300 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा, जैसा कि हमने महिंद्रा थार में देखा है। दोनों इंजन ऑप्शंस ईदर 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल होंगे। महिंद्रा विल बी ऑफरिंग एन ऑप्शनल 4x4 ड्राइव ट्रेन इन हायर स्पेसिफिकेशन ट्रिम्स ऑफ द न्यू स्कॉर्पियो N। इसकी प्रोडक्शन कंपनी के चकेन प्लांट नियर पुणे में स्टार्ट हो चुकी है। मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड एसयूवी ब्रेजा की लॉन्च की खबरें लगातार बनी हुई है एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे जून एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। एंड देयरफॉर मारुति सुजुकी एरेना डीलर्स ने न्यू जनरेशन ब्रेजा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है एंड द प्री बुकिंग्स आर बीइंग डन एट एन इनिशियल सम ऑफ ₹5,000। जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो नियरेस्ट डीलरशिप्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। न्यू मारुति ब्रेजा के प्राइस को लास्ट वीक्स ऑफ जून में अनाउंस किया जाएगा।
न्यू मॉडल ऑफ ब्रेजा एक प्रीमियम प्राइस में लॉन्च होगा एग्जिस्टिंग वर्जन के कंपैरिजन में। अभी एग्जिस्टिंग ब्रेजा की कीमत है 7.84 लाख रुपीज टू 11.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली। ब्रेजा में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इंजन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, एंड दैट मीन्स कि न्यू मारुति ब्रेजा 2022 करंट जनरेशन से काफी डिफरेंट होने वाली है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में अपडेटेड 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन अलोंग विद 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर अवेलेबल होगा, जो कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को इन्हांस करेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें 5-स्पीड मैनुअल एंड अ न्यू 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू ब्रेजा फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी ऑफर करेगी एट अ लेटर स्टेज। टॉकिंग अबाउट इंटीरियर, तो न्यू 2022 मारुति ब्रेजा में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ब्रेजा में ऑल न्यू डैशबोर्ड एंड अ लार्जर 9 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ न्यू स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंटरफेस एंड एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी अवेलेबल होगा। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड अ न्यू फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग विथ माउंटेड कंट्रोल्स भी प्रोवाइड होगा। इट्स इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश माइट ऑल्सो बी क्लास्ड अप। लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी नाउ, तो न्यू ब्रेजा श्योरली एग्जिस्टिंग मॉडल से मच बेटर होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यू मॉडल में 6 एयरबैग्स, हील होल्ड असिस्ट, हील डिसेंट असिस्ट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। न्यू मारुति ब्रेजा 2022 का डिजाइन भी रिवाइज्ड मिलेगा। इसमें न्यूली डिजाइन ग्रिल, न्यू हेडलैम्प्स, ट्विक्ड फ्रंट एंड रियर बंपर्स, मैट ब्लैक क्लैडिंग, न्यूली डिजाइन डुअल टोन 16 इंचेस अलॉय व्हील्स एंड रिवाइज्ड टेल लैंप क्लस्टर्स अवेलेबल होंगे। वेन्यू का फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वेन्यू इंडिया में 21 मई 2019 में लॉन्च हुई थी एंड इसने 1 लाख कार्स की सेल उसी साल में अचीव कर ली थी। इनफैक्ट 2019 में वेन्यू को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। अभी भी इसकी सेल काफ़ी कंसिस्टेंट है एंड वो करीबन 9500 से 10,000 यूनिट्स रहती है हर महीने, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। बट इस सेगमेंट में काफ़ी फीचर रिच कार्स जो लॉन्च हुई है, जैसे कि किया सोनेट, नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन, उसके बाद इसकी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है एंड दस सेल्स डिक्लाइन हुई है। देयरफोर अब कंपनी हुंडई प्लान कर रही है कि इसका फुल फेसलिफ्ट, जो कि 2022 में ही लॉन्च होने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूं तो ये एक रेंडर इमेज में दिखने वाली है जो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी एंड जो कि स्पाई भी की गई है, तो एक्चुअल डिज़ाइन स्पाई इमेज से बिल्कुल सिमिलर ही मिलने वाला है रेंडर्ड इमेज। सो ऐसे ही डिज़ाइन में कार एक्चुअल में मिलेगी वेन्यू फेसलिफ्ट। यहाँ पे जो ग्रिल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बिग मिलेगा, स्क्वायरिश टाइप ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प पहले भी अवेलेबल थे, अभी भी मिलेंगे। जो अपर साइड है, पहले टर्न इंडिकेटर मिलता था, अभी भी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर अवेलेबल रहेगा, पहले हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता था। नीचे हेडलैम्प यूनिट में नॉर्मल सेम ही मिलता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प ऐड करे जाए या फिर हो सकता है कि हैलोजन ही मिले, उसकी कोई फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट हेडलैम्प यूनिट का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट्स प्रोवाइड होंगी, कॉर्निंग लैम्प फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन देखने को मिलेगा। जो लोअर एंड बम्पर है उसका डिज़ाइन भी चेंज किया जा रहा है। अब जो लुक है वेन्यू की फ्रंट वाली, थोड़ी ज़्यादा वाइड एंड ब्रॉड लुक की ऑफर करने वाली है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, लेकिन इनका डिज़ाइन चेंज करा जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। गाइज अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो रियर में थोड़े मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली अगर आप बम्पर देखेंगे तो रियर बम्पर का डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली रीस्टाइल्ड है। रियर में जो रिवर्सिंग लाइट थी उसका जो डिज़ाइन है वो भी रीस्टाइल्ड है, और जो टेल लैम्प है वो भी ऑल न्यू मिलेंगे। सो कनेक्टेड टेल लैम्प यूनिट दिए जाएंगे विच लुक्स रियली वेरी नाइस, कनेक्टेड एलईडी यूनिट मिलेंगे विच लुक्स ऑसम। ओवरऑल डिज़ाइन मॉडर्न एंड ब्रॉड लुक ऑफर कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट। सो अब काफिला और आगे बढ़ाते हैं एंड बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में, तो इंटीरियर्स में एज सच कोई भी बिग चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज है उसको इंक्रीज करा जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम अब 10.25 इंचेस का मिलेगा अपर मॉडल में, यानी कि हायर मॉडल में, टॉप से नीचे वाले मॉडल में एंड टॉप मॉडल में।
बाकी सारे वेरिएंट्स में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल रहेगा। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो पूरा कंसोल है, एसी वेंट्स है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका जो डिजाइन है वो स्लाइटली चेंज करा जाएगा। देन जो कार की अपहॉस्ट्री है एंड जो इंटीरियर का पैटर्न है उसमें हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अदर देन दैट यहाँ पे इंटीरियर में कोई मेजर चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करे जाएंगे जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वेन्यू में जो अभी करंट फीचर्स अवेलेबल है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक वायरलेस चार्जिंग, ऑटो एसी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पुश स्टार्ट बटन विथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और अब वेन्यू फेसलिफ्ट में न्यू एड ऑन फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बियंट लाइटिंग, एलईडी पडल लैम्प अंडर ORVM, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एयर प्यूरीफायर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि हुंडई वर्ना में मिलता है, बोस साउंड सिस्टम अवेलेबल होगा विथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स, 1 सबवूफर विथ एम्पलीफायर। इसके साथ यहाँ पे जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है ब्लू लिंक, उसमें काफ़ी और फीचर्स ऐड किए जाएंगे। रियर में सनशेड मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड अवेलेबल होगा। सो दीज आर द न्यू फीचर्स जो वेन्यू फेसलिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डायमेंशन के बारे में तो डायमेंशन में एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलर डायमेंशन ही ऑफर किया जाएगा। बम्पर का स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा जिस वजह से हो सकता है कि 1 to 2 mm इधर उधर हो जाए, अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वेन्यू इज़ अ न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट, देयरफॉर प्लेटफॉर्म सेम ही दिया जाएगा विच इज़ एडवांस्ड K1 प्लेटफॉर्म जो कि सोनेट में भी यूज़ करा जा रहा है। नाउ और आगे बढ़ते हैं एंड इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इंजन ऑप्शंस में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो करेंटली जो अवेलेबल है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ये आगे भी अवेलेबल होगा। टर्बो पेट्रोल इंजन अभी अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के साथ, ये भी आगे फ्यूचर में मिलेगा फेसलिफ्ट में। एंड जो डीजल है करेंटली अवेलेबल है 1.5 लीटर डीजल इंजन विथ 6 स्पीड मैनुअल एंड गोइंग फॉरवर्ड फेसलिफ्ट में ऐड करा जा रहा है IMT का ऑप्शन। सो गाइज इन फ्यूचर डीजल में IMT ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, वेन्यू फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है एंड इसकी लॉन्च डेट क्या है। करंट प्राइस इज 6.99 लाख टू 11.72 लाख एंड एक्सपेक्टेड कीमत है 7.05 लाख टू 11.85 लाख। लोअर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 5 से 10 हज़ार इंक्रीज किया जाएगा एंड हायर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 10 से 13 हज़ार इंक्रीज करा जाएगा। हुंडई प्लान कर रही है कि वो वेन्यू फेसलिफ्ट को अगस्त 2022 में इंडिया मार्केट में लॉन्च करे, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो वेन्यू फेसलिफ्ट का लॉन्च जुलाई 2022 में भी हो सकता है इंडिया मार्केट में। अभी इंडिया में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पाई हो रही है एंड थॉरली इसकी टेस्टिंग की जा रही है। वेन्यू फेसलिफ्ट की कोई भी अपडेट अगर आती है, इसका लॉन्च और डिले होता है या फिर कुछ नए फीचर्स की अपडेट आती है, कुछ इंटीरियर या एक्सटीरियर की अपडेट आती है, तो मैं इमिजिएटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे आगे किस कंटेंट पे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं जल्द ही मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए देखते रहें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।